उज्जवल भारत न्यूज क्राइम स्पेशल रिपोर्ट पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। सूरत से बड़ी खबर। सूत्रों के अनुसार ये कहा जा रहा है कि सूरत क्राइम ब्रांच ने सूचना के आधार पर चार पहिए गाड़ी में दो व्यक्तियों को भारी मात्रा में मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया है। पदार्थ करीब 19.45 ग्राम के ड्रग्स थे और एमडी ड्रग्स थे और जिनकी कीमत बताई जा रही है करीब 1,94,500 रुपये। अपराधी इस्मान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने नशीली पदार्थों के साथ एक कार, 1,00,000 के करीब नगद रकम और एक मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। कड़ी पूछताछ के बाद आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और उसे सरौली थाने में रखा गया है। सरौली थाने में मामला दर्ज करने के बाद इस पुलिस ने इस मामले को गहनतापूर्वक और आगे की जांच के लिए भेजा गया है। सूरत शहर को स्वच्छ सूरत बनाने के साथ साथ नो ड्रग्स भी अभियान जो सूरत में शुरू किया गया है वो इसका इस प्रकार से नतीजा आ गया है कि सूरत में नो ड्रग्स अभियान के चलते इस प्रकार के ड्रग्स के मामले पकड़े जाने लगे हैं। कहा जा रहा है कि आरोपी मीरा रोड भयंदर का रहने वाला है। गुजरात कहा जाता है कि शराब के लिए प्रतिबंधित राज्य माना गया है। यहाँ जहाँ पर ड्राई स्टेट का घोषणा किया गया है उसके बावजूद भी यहाँ पर शराब की बिक्री के साथ साथ इस प्रकार के ड्रग्स के मामले भी आज सामने आने लगे हैं। साल के आखिर में 31 दिसंबर को हर जगह पार्टियाँ होती है तो इस प्रकार के मामले अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। पुलिस और प्रशासन ने भी कमर कस ली है कि सूरत को स्वच्छ शहर के साथ साथ नो ड्रग्स शहर का भी खिताब मिलना चाहिए, इसीलिए नो ड्रग्स के अभियान को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के मामलों को जल्द से जल्द वे प्रकाश में लाए और इस प्रकार के दोबारा कोई ड्रग्स के चपेट में सूरत शहर के कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा न आए, इसीलिए नो ड्रग्स अभियान को बहुत ही गहनतापूर्वक लिया जा रहा है। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज़। नई अपडेट्स के लिए लिंक पर क्लिक करें। उज्जवल भारत न्यूज़ देश की प्रखर आवाज़। सीमा भट्टाचार्य, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए कमेंट करना ना भूलिएगा क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ सबका विश्वास। धन्यवाद। सूरत शहर नु युवा धन ड्रग्स ना रवाड़े ना चढ़े, पोतानी हेल्थ प्रत्ये सजाग रहे, तेमज सूरत शहर में जे मादक पदार्थों से एनु वेचाण छे नेस्त नाबूद थाय ए माटे सूरत पुलिस कमिश्नर साहब द्वारा नो ड्रग्स इन सूरत सिटी आ एक कैम्पेन चलावामां आवे छे। आ एक कैम्पेनना भागरूपे सूरत शहरमांथी जे जे ड्रग्स वेचे छे, जे पेडलर्स छे, ए लोकोने पकड़ी अने केसो करवा माटे मेहरबान अधिक पुलिस कमिश्नर साहेब सिंघल साहेब द्वारा क्राइम ब्रांचना तमाम अधिकारीओने खास सूचना अने टास्क आपवामां आवेल हता। आने लईने पीएसआई कीर्तिपाल सिंह पुवार अने एमनी टीम ने एक स्पष्ट अने चोक्कस बातमी मळे छे के एक ब्राउन कलरनी फियाट गाड़ी जेना नंबर छे GJ5CR8190 ए बॉम्बे जाए छे अने त्यांथी एमडी ड्रग्स लईने एटले के मेफेड्रोन लईने सूरत आववानी छे। आ स्पष्ट अने चोक्कस बातमीना आधारे ए जे सूरत सिटी में जे जगह थी एंट्री करवानी छे त्यां सरकारी पंचो साथे क्राइम ब्रांचनी टीमों गोठवाई जाए छे। उपरोक्त नंबरनी जे गाड़ी छे ए आवता एने कोडन करी अने पकड़वामां आवे छे। एनी अंगझड़ती करता एमां बे व्यक्ति हाजर मळे छे। एकनुं नाम छे शैलेश नाथुभाई पटेल तथा बीजानुं नाम छे कमलेश चौवटिया। आ बंने ईसमो એની અંગઝડતી કરતા તથા ગાડીની ઝડતી કરતા ગેરના બોક્સ પાસેથી મેફેડ્રોન એટલે કે એમડી ડ્રગ્સ જે 19.45 ગ્રામ એટલે બજાર કિંમત 1,94,000 ઉપરની મળી આવે છે, તેમજ સાથે એમની પાસેથી 1,00,000 ઉપરની કેશ પણ મળે છે। આ એમડી ડ્રગ્સ બાબતે એ લોકોને પૂછતા એક ઈસમ જે બોમ્બે રહે છે મીરા ભયંદર રોડ ઉપરથી ત્યાંથી એ લોકો લાવે છે, લાવી અને સુરતમાં પોતાના કન્ઝ્યુમ માટે તથા અમુક ગ્રાહકોને વેચવા માટે લાવેલા હોવાની કેફિયત જણાવે છે।
ઉપરોક્ત બંનેને આરોપીઓને રિમાન્ડ લેવાની તજવીજ ચાલુ છે. રિમાન્ડ લઈ અને અગાઉ કેટલી કેટલી વાર ડ્રગ્સ લાવેલા છે, કોને કોને આપતા હતા, ભૂતકાળમાં કોને આપેલ છે એ બાબતે વધુ ખુલાસા થવાની સંભાવના છે. સર, ઠઠરી ફાસને લઈને આ ડ્રગ્સ સુરતમાં લાવ્યા હતા? ના, હાલમાં તો હજી એને બહુ ઓછી માત્રામાં ડ્રગ્સ મળ્યું છે, એટલે એવું નહીં કહી શકાય કે 31ને લઈને લાવ્યા હતા. પણ ચોક્કસ આ લોકો હજી જો ન પકડાત તો ફરીવાર એ લોકો બોમ્બે જાત અને એ ફરીવાર ડ્રગ્સ લાવી અને સુરતમાં ઘૂસાડવાના પ્રયત્ન કરત. નહીં, આ વખતે પણ સિટીમાંથી જ મળી આવ્યું છે. એ બોમ્બેથી આવતો હતો અને સુરતની અંદર જ્યારે સીમાડા ચોકી ઉપરથી એ એન્ટ્રી લેતા હતા એટલે સિટીની હદમાંથી જ એને ઝડપી પડવામાં આવ્યા છે અને સિટીમાં જ આવતો હતો.